10 फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? 10 फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रॉथ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति। लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा, वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था 10। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। जुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थी। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था 10। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया।
सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर्स से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान। और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है, क्योंकि इसमें सलमान खान है। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म 10 का टीजर कब आने वाला है और इस फिल्म का गाना सुनो गौर से दुनिया वालों इतना सुपरहिट क्यों हुआ? सलमान खान ने क्यों कहा कि मेरे समय में सनी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त बहुत बड़े सुपरस्टार थे। साजन और जीत फिल्में सलमान खान ने क्यों की? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों सलमान खान बस नाम ही काफ़ी है। आज हम आपको बताएंगे बॉक्स ऑफिस के सुल्तान और बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से जुड़ी एक ऐसी बात जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज दिग्गज डायरेक्टर्स सलमान खान के पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि सलमान खान उनकी फिल्म के लिए हाँ बोल दे, लेकिन सलमान खान अपनी मर्जी के मालिक हैं, वही करते हैं जो उन्हें भा जाए। सलमान खान का जलवा कुछ ऐसा है कि आए दिन जिसे चाहते हैं बॉलीवुड में लॉन्च कर देते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि सलमान खान की कुछ ऐसी भी फिल्में रही हैं जो कभी सिनेमा हॉल तक पहुंची ही नहीं, यानी रिलीज ही नहीं हो पाई। ऐसी ही एक फिल्म थी 10। सलमान खान संजय दत्त की ये फिल्म 10 आज तक अधूरी ही है। दरअसल फिल्म बनाने के दौरान बीच में ही फिल्म के निर्देशक मुकुल आनंद की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस फिल्म में सलमान खान संजय दत्त के साथ रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी भी मुख्य किरदारों में नजर आने वाले थे। इस फिल्म का एक गीत सुनो गौर से दुनिया वालों आप सबने जरूर सुना होगा। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में तो ये गाना बेहद पॉपुलर भी हुआ। हालांकि फिल्म का संगीत साल 1999 में रिलीज कर दिया गया था। सलमान खान भी कई बार अपने डेब्यू और संघर्ष के दिनों के बारे में बात कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया था, जब मैं बॉलीवुड में आया तो उस वक्त सनी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त इतने बड़े स्टार थे जितना कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने और अक्षय कुमार ने बड़ी मुश्किल से गलतियां कर करके सीख ली है। सलमान खान ने इसी इंटरव्यू में बताया, जब भी मेरी फिल्म नहीं चलती थी या फिर मैं परेशान होता था कि करियर आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं संजय दत्त या सनी देओल के साथ फिल्म कर लेता। इसलिए मैंने साजन और जीत जैसी फिल्में की। जब भी मुझे लगा कि फिल्में गड़बड़ चल रही हैं मैंने इन सुपरस्टार के साथ मिलकर किसी तरह अपना करियर बचा लिया था। दोस्तों ऐसा रियल लाइफ में भी कई दफ़ा होता है जब हमें लगता है कि जिंदगी जैसे रुक सी गई है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सलमान खान के द्वारा कही बात पर अगर हम गौर करें तो हमें ऐसी सिचुएशन में कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि अपने आसपास के सुपीरियर लोगों से सीखना चाहिए और बस जी जान लगाकर मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में भी ज़रूर आई होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
और साथ ही साथ आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया ये भी ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज़। क्या 2005 में रिलीज हुई फिल्म 10 से पहले 1997 में सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म 10 रिलीज होने वाली थी? और अगर हाँ तो फिर क्यों नहीं किया गया इस फिल्म को रिलीज? क्या 2005 में सलमान खान को फिल्म से निकाल कर इस फिल्म को रिलीज किया गया था? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राद स्टूडियोज के आशियाने में। हम तो ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि सलमान खान की फिल्म शूट हो जाए और रिलीज ना हो, लेकिन 1997 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2005 में आई फिल्म 10 से पहले 1997 में सलमान खान, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर फिल्म 10 रिलीज होने वाली थी, लेकिन अफसोस कि फिल्म की शूटिंग 80% तक ही पूरी हो पाई। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण इस जहां को अलविदा कहना पड़ा। फिल्म के गाने और प्रोमो टेलीविजन पर आने लग गए थे और उनमें से एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों चार्टबस्टर भी बन चुका था। अभी तक तो आपने इस गाने को गुनगुनाना भी शुरू कर दिया होगा, मैंने तो आपको गुनगुनाते हुए सुना। आज भी ये गाना आपको यूट्यूब में इंडिया की शान बताता और इस अधूरी फिल्म की याद दिलाता नजर आ सकता है। खैर, आपको बता दें कि ये फिल्म शंकर एहसान लॉय दी म्यूजिक डायरेक्टर का डेब्यू हो सकती थी, और वहीं राहुल देव की भी, जो कि एक मॉडल से एक्टर बने। इस फिल्म में पहली बार रवीना टंडन एक नेगेटिव रोल निभाती नजर आती। फिल्म की कहानी टेररिज्म पर आधारित, कैप्टन राजा सेठी यानी कि संजय दत्त को फोर्स 10 नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अफगान टेररिस्ट नशे मन यानी कि रवीना टंडन को ढूंढने के लिए एक मिशन पर भेजती है, लेकिन नशे मन और उसका राइट हैंड मस्तगुल यानी कि राहुल देव उसे बंदी बना लेते हैं। फिर होती है सल्लू भाई यानी कि सलमान खान की एंट्री, जो कि कैप्टन जीत शर्मा के रूप में उसे रेस्क्यू करने जाते हैं। लेकिन यहाँ हो जाता है कहानी में ट्विस्ट, राजा को यानी कि संजय दत्त को हो जाता है रवीना टंडन उर्फ नशेमन से प्यार, और वो भी बन जाता है टेररिस्ट। और वैसे भी हम सभी जानते हैं दैट एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। बात करें फिल्म की शूटिंग की, तो ऊटा में फिल्म की शूटिंग के दौरान आया था मुकुल आनंद को हार्ट अटैक और ये फिल्म आज किसी कोने में दबी हुई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन देसाई के पास फिल्म के टाइटल के राइट्स थे, जिस वजह से उन्होंने उसी नाम से संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के साथ 2005 में फिल्म 10 को एक अलग कहानी के साथ रिलीज किया। तो इस बात का ताल्लुक तो कहीं भी नहीं है कि सलमान खान को 2005 की 10 में क्यों नहीं लिया गया। खैर, कहानी अलग तो स्टार अलग, कास्ट अलग, जिस वजह से शायद डायरेक्टर को नहीं लगा और हो सकता है कि उस दौरान सलमान खान फ्री ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए बॉलीग्राद स्टूडियोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, खुदा हाफिज। दस फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? 10 फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति।
लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा। वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था दस। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। जुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थीं। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था दस। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया। सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान, और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है क्योंकि इसमें सलमान खान हैं। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।
दस फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? दस फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रॉड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति। लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा, वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था 10। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों, आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। जुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थीं। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था 10। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया।
सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान। और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है, क्योंकि इसमें सलमान खान हैं। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म 10 का टीजर कब आने वाला है और इस फिल्म का गाना सुनो गौर से दुनिया वालों इतना सुपरहिट क्यों हुआ? सलमान खान ने क्यों कहा कि मेरे समय में सनी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त बहुत बड़े सुपरस्टार थे। साजन और जीत फिल्में सलमान खान ने क्यों की? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों सलमान खान बस नाम ही काफी है। आज हम आपको बताएंगे बॉक्स ऑफिस के सुल्तान और बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से जुड़ी एक ऐसी बात जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज दिग्गज डायरेक्टर्स सलमान खान के पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि सलमान खान उनकी फिल्म के लिए हाँ बोल दे, लेकिन सलमान खान अपनी मर्जी के मालिक हैं, वही करते हैं जो उन्हें भा जाए। सलमान खान का जलवा कुछ ऐसा है कि आए दिन जिसे चाहते हैं बॉलीवुड में लॉन्च कर देते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि सलमान खान की कुछ ऐसी भी फिल्में रही हैं जो कभी सिनेमा हॉल तक पहुंची ही नहीं, यानी रिलीज ही नहीं हो पाई। ऐसी ही एक फिल्म थी 10। सलमान खान संजय दत्त की ये फिल्म 10 आज तक अधूरी ही है। दरअसल फिल्म बनाने के दौरान बीच में ही फिल्म के निर्देशक मुकुल आनंद की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस फिल्म में सलमान खान संजय दत्त के साथ रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी भी मुख्य किरदारों में नजर आने वाले थे। इस फिल्म का एक गीत सुनो गौर से दुनिया वालों आप सबने जरूर सुना होगा। इनफैक्ट स्कूल कॉलेजेस में तो ये गाना बेहद पॉपुलर भी हुआ। हालांकि फिल्म का संगीत साल 1999 में रिलीज कर दिया गया था। सलमान खान भी कई बार अपने डेब्यू और संघर्ष के दिनों के बारे में बात कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया था, जब मैं बॉलीवुड में आया तो उस वक्त सनी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त इतने बड़े स्टार थे जितना कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने और अक्षय कुमार ने बड़ी मुश्किल से गलतियां कर करके सीख ली है। सलमान खान ने इसी इंटरव्यू में बताया, जब भी मेरी फिल्म नहीं चलती थी या फिर मैं परेशान होता था कि करियर आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं संजय दत्त या सनी देओल के साथ फिल्म कर लेता, इसलिए मैंने साजन और जीत जैसी फिल्में की। जब भी मुझे लगा कि फिल्में गड़बड़ चल रही हैं मैंने इन सुपरस्टार के साथ मिलकर किसी तरह अपना करियर बचा लिया था। दोस्तों ऐसा रियल लाइफ में भी कई दफा होता है जब हमें लगता है कि जिंदगी जैसे रुक सी गई है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सलमान खान के द्वारा कही बात पर अगर हम गौर करें तो हमें ऐसी सिचुएशन में कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि अपने आसपास के सुपीरियर लोगों से सीखना चाहिए और बस जी जान लगाकर मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में भी ज़रूर आई होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
और साथ ही साथ आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया ये भी ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज़। क्या 2005 में रिलीज हुई फिल्म 10 से पहले 1997 में सलमान खान और संजय दत्त की फिल्म 10 रिलीज होने वाली थी? और अगर हाँ तो फिर क्यों नहीं किया गया इस फिल्म को रिलीज? क्या 2005 में सलमान खान को फिल्म से निकाल कर इस फिल्म को रिलीज किया गया था? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राद स्टूडियोज के आशियाने में। हम तो ऐसा ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि सलमान खान की फिल्म शूट हो जाए और रिलीज ना हो, लेकिन 1997 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2005 में आई फिल्म 10 से पहले 1997 में सलमान खान, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर फिल्म 10 रिलीज होने वाली थी, लेकिन अफसोस कि फिल्म की शूटिंग 80% तक ही पूरी हो पाई। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद को अचानक हार्ट अटैक आने के कारण इस जहां को अलविदा कहना पड़ा। फिल्म के गाने और प्रोमो टेलीविजन पर आने लग गए थे और उनमें से एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों चार्टबस्टर भी बन चुका था। अभी तक तो आपने इस गाने को गुनगुनाना भी शुरू कर दिया होगा, मैंने तो आपको गुनगुनाते हुए सुना। आज भी ये गाना आपको यूट्यूब में इंडिया की शान बताता और इस अधूरी फिल्म की याद दिलाता नजर आ सकता है। खैर, आपको बता दें कि ये फिल्म शंकर एहसान लॉय दी म्यूजिक डायरेक्टर का डेब्यू हो सकती थी और वहीं राहुल देव की भी, जो कि एक मॉडल से एक्टर बने। इस फिल्म में पहली बार रवीना टंडन एक नेगेटिव रोल निभाती नजर आती। फिल्म की कहानी टेररिज्म पर आधारित। कैप्टन राजा सेठी यानी कि संजय दत्त को फोर्स 10 नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अफगान टेररिस्ट नशे मन यानी कि रवीना टंडन को ढूंढने के लिए एक मिशन पर भेजती है, लेकिन नशे मन और उसका राइट हैंड मस्तगुल यानी कि राहुल देव उसे बंदी बना लेते हैं। फिर होती है सल्लू भाई यानी कि सलमान खान की एंट्री, जो कि कैप्टन जीत शर्मा के रूप में उसे रेस्क्यू करने जाते हैं। लेकिन यहाँ हो जाता है कहानी में ट्विस्ट। राजा को यानी कि संजय दत्त को हो जाता है रवीना टंडन उर्फ नशे मन से प्यार और वो भी बन जाता है टेररिस्ट। और वैसे भी हम सभी जानते हैं दैट एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। बात करें फिल्म की शूटिंग की तो ऊटा में फिल्म की शूटिंग के दौरान आया था मुकुल आनंद को हार्ट अटैक और ये फिल्म आज किसी कोने में दबी हुई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन देसाई के पास फिल्म के टाइटल के राइट्स थे, जिस वजह से उन्होंने उसी नाम से संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के साथ 2005 में फिल्म 10 को एक अलग कहानी के साथ रिलीज किया। तो इस बात का ताल्लुक तो कहीं भी नहीं है कि सलमान खान को 2005 की 10 में क्यों नहीं लिया गया। खैर, कहानी अलग तो स्टार अलग, कास्ट अलग, जिस वजह से शायद डायरेक्टर को नहीं लगा और हो सकता है कि उस दौरान सलमान खान फ्री ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए बॉलीग्राद स्टूडियोज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज। दस फिल्म को सलमान खान फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहते हैं? अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड दिलाने वाले डायरेक्टर कौन थे? 10 फिल्म पूरी क्यों नहीं हो पाई? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। मुकुल एस आनंद का नाम जिस फिल्म से जुड़ा हो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलने की गारंटी हुआ करती थी, मगर एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने का ख्वाब अधूरा छोड़ वो दुनिया से चल बसे। ये फिल्म थी सलमान खान संजय दत्त की 10। ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। मुकुल एस आनंद बॉलीवुड के ऐसे धाकड़ डायरेक्टर्स में से एक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में बनाई। ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसने मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में काम ना किया हो, फिर वो अमिताभ बच्चन हो या विनोद खन्ना या फिर धर्मेंद्र। अमिताभ के साथ मुकुल आनंद ने अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं। तो विनोद खन्ना का कमबैक मुकुल आनंद निर्देशित इंसाफ से हुआ था। यहां तक कि अनिल कपूर और शाहरुख खान को भी उन्होंने एक फिल्म के लिए डायरेक्ट किया था, वो फिल्म थी त्रिमूर्ति।
लेकिन मुकुल एस आनंद का एक ख्वाब अधूरा रहा। वो संजय दत्त सलमान खान को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था दस। इस फिल्म के प्रमोज भी रिलीज किए गए थे। एक गाना सुनो गौर से दुनिया वालों आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजाया जाता है। लेकिन ये फिल्म पूरी करने से पहले ही मुकुल आनंद चल बसे। उनकी इस फिल्म में संजय दत्त और सलमान खान के साथ रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और विनोद खन्ना थे। हालांकि 10 नाम की दूसरी फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त थे, लेकिन वो मुकुल आनंद की नहीं थी बल्कि अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की थी, जो कि मुकुल आनंद की फिल्म 10 से बिल्कुल अलग थी। साल 1990 में फिल्म आई अग्निपथ। इसी के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म के डायरेक्टर थे मुकुल आनंद। जुम्मा चुम्मा गाना याद होगा, उन्हीं की बनाई फिल्म हम का था। इतना कुछ है लेकिन हमें वो याद ही नहीं है। लेकिन संयोग देखिए कि अमिताभ बच्चन और मुकुल आनंद का जन्म दिवस एक ही दिन आता है। बच्चन साहब के बारे में तो आज कई लेख मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले पर शायद ही कुछ मिले। साल 1990 था, अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। पिछली फिल्में तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूँ बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट चुकी थी। तभी आई मुकुल आनंद के डायरेक्शन में अग्निपथ। अमिताभ के मुंह में रुई भरकर उनका अंदाज और आवाज द गॉडफादर के मार्लन ब्रांडो जैसी कर दी गई। फिल्म आई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर रही। इसके बावजूद फ्लॉप मानी गई। बजट वाला झोल था, फिल्म अच्छी थी और अमिताभ की एक्टिंग भी। हई और विजय दीनानाथ चौहान बोलकर बच्चन सबके दिल में उतर गए थे। इसके लिए उन्हें तारीफ तो मिली ही, बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवार्ड भी मिल गया। जुम्मा चुम्मा दे दे गाना पहले फिल्म अग्निपथ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये विजय के किरदार को सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने फिल्म में जुम्मा की जगह अली बाबा गाना फिट कर दिया। बाद में उस गाने को मुकुल ने अमिताभ के साथ की गई फिल्म हम में इस्तेमाल कर लिया। फिल्म हम में अमिताभ के साथ रजनीकांत, गोविंदा और किमी काटकर भी थीं। फिल्म हम के बाद मुकुल ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह फिल्म की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद मुकुल ने नए जमाने के एक्टर्स का दामन थामा और फिल्म बनाई त्रिमूर्ति। इस फिल्म में अनिल कपूर, शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ थे। फिल्म रिलीज हुई और मुकुल की जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से पहले शाहरुख खान डर, बाजीगर और करण अर्जुन जैसी फिल्में करके स्टार बन चुके थे। साल 1997 में सलमान खान और संजय दत्त को साथ लेकर मुकुल एक फिल्म बना रहे थे, नाम था दस। इसमें संजय और सलमान खुफिया ऑफिसर्स के किरदार में थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इसके दौरान ही मुकुल को हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। बाद में फिल्म को पूरा करने की कोशिश की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिल्म अधूरी ही रही। इस फिल्म के लिए बुक की गई डेट्स पर बाद में चल मेरे भाई की शूटिंग हुई। फिल्म 10 के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय ने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी। भले ही फिल्म रिलीज नहीं हुई लेकिन इसका साउंड ट्रैक एल्बम रिलीज कर दिया गया। सुनो गौर से दुनिया वालों गाना इसी फिल्म का था और बहुत बड़ा हिट हुआ था। उसे आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो बात करते हैं इस फिल्म के रिक्रिएट की। सलमान खान ने इसके प्रोड्यूसर से और इसके राइटर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया है, क्योंकि उनके हाथ एक अच्छी स्क्रिप्ट लगी ही चुकी है। अब वो इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ संजय दत्त ही नजर आएंगे, यानी कि कहानी के मुताबिक और मुकुल एस आनंद के भी मुताबिक, क्योंकि उनकी इस फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त ही थे। लेकिन इस बार फिल्म में नई एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा और वो नाम है कृति सैनन और सारा अली खान, और इस बार भी इस फिल्म का म्यूजिक देंगे शंकर एहसान लॉय। और ये फिल्म काफी भारी भरकम बजट पर बनने वाली है क्योंकि इसमें सलमान खान हैं। ये फिल्म 2022 तक की शुरुआत में सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सलमान खान की फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।
सलमान खान और सनी देओल की फिल्म कसाई कब रिलीज हो रही है और किस वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई थी? बिच्छू डंक मारे तो जान कैसे बच सकती है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज ना जाने कितनी फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। आज ऐसी कई फिल्में बनी पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की फिल्म, जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलेन किरदार में थे। जब फिल्म में दो बड़े सितारे तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म कभी सिनेमाघरों में रिलीज हो पाए। आइए बात करते हैं कि किस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। सलमान खान और सनी देओल को आपने कई फिल्मों में साथ देखा होगा, पर उनकी एक फिल्म कसाई है जिसका आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों स्टार के विचार नहीं मिल रहे थे और वहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक एक्शन सीन को लेकर दोनों अभिनेताओं में जमकर तू तू मैं हुई। उसमें एक फाइट सीन होना था जिसमें सलमान खान को सनी देओल को बुरी तरह से पीटना था। आपको बता दें कि इस सीन के लिए सनी देओल ने मना कर दिया था और बहस भी शुरू कर दी। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार के बीच जमकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, इस फिल्म को वहीं रोक दिया। असल बात यह है कि उस समय सनी देओल बहुत बड़े सुपरस्टार थे और सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे। सनी देओल की इमेज एक एक्शन हीरो की थी जिसको वो गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और सनी देओल अभी एक स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म को बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में संजय दत्त को भी कास्ट किया गया है और उन्होंने भी फिल्म में काम किया है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म के कुछ सीन बचे हुए हैं जिनको फिर से शूट किया जाएगा और फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी सलमान खान का स्टारडम है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और इस बारिश के मौसम में बिच्छू बहुत निकलते हैं। अगर बिच्छू डंक मारे तो आपको क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जिससे आपकी जान बच सकती है। दोस्तों, आप सभी ने बिच्छू को देखा ही होगा। ये बिच्छू दो प्रकार का होता है, एक काली बिच्छू और एक भूरी बिच्छू। इनमें से सबसे जहरीला भूरा बिच्छू होता है। भूरा बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। अगर भूरा बिच्छू किसी को डंक मार दिया तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बिच्छू अक्सर बरसात के मौसम में या तपती धूप में गर्मी के मौसम में अधिक देखा जाता है। अगर ये बिच्छू किसी को डंक मार देता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि उसको पीड़ा सहन ना कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग बिच्छू के डंक मारने से जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं, क्योंकि बिच्छू के मारने से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 100 में से एक लोग तो बिच्छू के काटने से मर गए हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस उपाय को करने से 2 मिनट में आपके अंदर का जहर दूर हो जाएगा। तरीका जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिच्छू के जहर को 2 मिनट में छू मंतर कर देगा ये उपाय। दोस्तों, लट जीरा पौधा को आपने देखा ही होगा, ये बिच्छू के जहर को पल भर में दूर करता है। अगर आप इस पौधे से अपरिचित हैं तो इसका चित्र आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, लट जीरा नामक पौधा जहां पर उपलब्ध हो वहां से इसका एक पौधा जड़ सहित उखाड़ लाइए। फिर इस पौधे को बारीक कूट कूट कर इसका रस निचोड़ लें। फिर 50 ग्राम सरसों का तेल लेकर इस तेल को किसी बर्तन में लेकर गर्म करें। जब सरसों का तेल उबरने लगे तो इसमें लट जीरा के रस को मिला दें। खूब खौला लें।
इसके बाद जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मार दिया है उस जगह पर इस मिश्रण का लेप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू का जहर 2 मिनट में दूर हो जाएगा। दोस्तों ये नुस्खा 100% सही है और विशेषज्ञों द्वारा अजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप सबको कसाई फिल्म का कितना इंतजार है। कसाई फिल्म कब रिलीज होगी? सलमान और सनी देओल में किस सीन को लेकर हुआ झगड़ा? 2019 में सलमान खान और सनी देओल किस फिल्म में साथ आने वाले हैं? सनी देओल ने ऐसा क्यों कहा कि मैं सभी एक्टर्स को चुनौती देता हूं कि आओ मेरे साथ काम करो? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं
हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप दो एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों, सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों, क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सलमान खान और सनी देओल की फिल्म कसाई कब रिलीज हो रही है और किस वजह से फिल्म रिलीज नहीं हुई थी? बिच्छू डंक मारे तो जान कैसे बच सकती है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज ना जाने कितने फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। आज ऐसी कई फिल्में बनी पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई है। उन्हीं में से एक फिल्म है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की फिल्म, जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलेन किरदार में थे। जब फिल्म में दो बड़े सितारे तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म कभी सिनेमाघरों में रिलीज हो पाए। आइए बात करते हैं कि किस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। सलमान खान और सनी देओल को आपने कई फिल्मों में साथ देखा होगा, पर उनकी एक फिल्म कसाई है जिसका आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों स्टार के विचार नहीं मिल रहे थे और वहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक एक्शन सीन को लेकर दोनों अभिनेताओं में जमकर तू तू मैं हुई। उसमें एक फाइट सीन होना था जिसमें सलमान खान को सनी देओल को बुरी तरह से पीटना था। आपको बता दें कि इस सीन के लिए सनी देओल ने मना कर दिया था और बहस भी शुरू कर दी। इस फिल्म को लेकर दोनों स्टार के बीच जमकर कहासुनी हो गई। फिर क्या था, इस फिल्म को वहीं रोक दिया। असल बात यह है कि उस समय सनी देओल बहुत बड़े सुपरस्टार थे और सलमान खान स्ट्रगल कर रहे थे। सनी देओल की इमेज एक एक्शन हीरो की थी जिसको वो गंवाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और सनी देओल अभी एक स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्मी गलियारों की बात माने तो अब दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म को बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में संजय दत्त को भी कास्ट किया गया है और उन्होंने भी फिल्म में काम किया है। लोगों का मानना है कि इस फिल्म के कुछ सीन बचे हुए हैं जिनको फिर से शूट किया जाएगा और फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी सलमान खान का स्टारडम है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है और इस बारिश के मौसम में बिच्छू बहुत निकलते हैं। अगर बिच्छू डंक मारे तो आपको क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जिससे आपकी जान बच सकती है। दोस्तों, आप सभी ने बिच्छू को देखा ही होगा। ये बिच्छू दो प्रकार का होता है, एक काली बिच्छू और एक भूरी बिच्छू। इनमें से सबसे जहरीला भूरा बिच्छू होता है। भूरा बिच्छू का जहर बहुत तेज होता है। अगर भूरा बिच्छू किसी को डंक मार दिया तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये बिच्छू अक्सर बरसात के मौसम में या तपती धूप में, गर्मी के मौसम में अधिक देखा जाता है। अगर ये बिच्छू किसी को डंक मार देता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है
कि उसको पीड़ा सहन ना कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग बिच्छू के डंक मारने से जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं, क्योंकि बिच्छू के मारने से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 100 में से एक लोग तो बिच्छू के काटने से मर गए हैं। दोस्तों, अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस उपाय को करने से 2 मिनट में आपके अंदर का जहर दूर हो जाएगा। तरीका जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिच्छू के जहर को 2 मिनट में छू मंतर कर देगा ये उपाय। दोस्तों, लट जीरा पौधा को आपने देखा ही होगा, ये बिच्छू के जहर को पल भर में दूर करता है। अगर आप इस पौधे से अपरिचित हैं, तो इसका चित्र आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, लट जीरा नामक पौधा जहां पर उपलब्ध हो वहां से इसका एक पौधा जड़ सहित उखाड़ लाइए। फिर इस पौधे को बारीक कूट कूट कर इसका रस निचोड़ लें। फिर 50 ग्राम सरसों का तेल लेकर इस तेल को किसी बर्तन में लेकर गर्म करें। जब सरसों का तेल उबरने लगे तो इसमें लट जीरा के रस को मिला दें, खूब खौला लें। इसके बाद जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मार दिया है उस जगह पर इस मिश्रण का लेप करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिच्छू का जहर 2 मिनट में दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा 100% सही है और विशेषज्ञों द्वारा अजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती है, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घरों में रिलीज होती है, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती है। और आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। और उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार दबंग खान यानी कि सलमान खान और हमारे सनी पाजी यानी कि सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन किरदार में थे। दोस्तों, जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो उसका हिट होना लाजमी था, लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई और इसी बात को लेकर सलमान और सनी दोनों में अनबन तक हो गई। और यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था और जिसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये फिल्म कभी सिनेमा घरों में रिलीज हो पाए। खैर, अगर दोनों के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त भारत की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में जब इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि क्या आप 2 एक्टर वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहते, तो सनी देओल ने साफ साफ कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ, किसी भी एक्टर के साथ, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई एक्टर मेरे साथ काम नहीं करेगा। सनी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता किसी को भी मुझसे क्या परेशानी है, मैं सबके साथ कम्फर्टेबल हूँ, लिहाजा आज मैं सारे एक्टर्स को चुनौती देता हूँ कि आओ और मेरे साथ काम करो। दोस्तों, सलमान खान के साथ फिल्म करने की बात पर सनी देओल ने कहा कि मैं सलमान के साथ काम जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट लिखना काफी मुश्किल है जहां हम दोनों फिट हो सके। तो दोस्तों, क्या आप सनी देओल और सलमान खान को फिर से एक साथ देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द ही दिया जाएगा और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप सबको कसाई फिल्म का कितना इंतजार है। सलमान खान की फिल्म कसाई का टीजर कब आ रहा है और क्यों हुई थी ये फिल्म डिब्बा बंद? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, बॉलीवुड में हर रोज न जाने कितनी फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें से कई फिल्में तो सिनेमा घर में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो जाती हैं। आज ऐसी कई फिल्में बनी हुई पड़ी हैं जो रिलीज का इंतजार कर रही हैं, लेकिन किसी कारण से ये फिल्में पर्दे पर अब तक रिलीज नहीं हुई हैं। उन्हीं में से एक है बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और सनी देओल की एक फिल्म जिसका नाम है कसाई। सनी देओल और सलमान खान की फिल्म कसाई जो अब डिब्बा बंद हो चुकी है। कसाई फिल्म में सलमान खान हीरो और सनी देओल विलन के किरदार में थे।
जब फिल्म में दो बड़े सितारे हों तो फिल्म का हिट होना तो लाजमी है। लेकिन फिल्म के एक सीन के दौरान सलमान खान को सनी देओल को पीटना था, लेकिन सनी देओल को ये बात पसंद नहीं आई। फिल्म मेकर्स की तरफ से काफी कोशिशें की गईं, लेकिन आखिर में जाकर फिल्म को बंद ही करना पड़ा। लेकिन अब इतने सालों बाद फिल्म मेकर्स इस फिल्म को रिलीज करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सलमान खान और सनी देओल के बीच की जो खटास थी वो फाइनली जाकर कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, और इसीलिए फिल्म मेकर्स चाहते हैं इस फिल्म को रिलीज करना। जल्द से जल्द वो डेट्स देख रहे हैं कि किस दिन इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है, और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 2020 एंडिंग तक रिलीज हो जाएगी। फिल्म का टीजर भी तैयार किया जा रहा है और फिल्म मेकर्स का कहना है कि न्यू ईयर ईव पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। दोनों एक्टर्स के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इस वक्त दबंग 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वो जल्द ही किक 2 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे, और साथ ही शेर खान की शूटिंग स्टार्ट होने की भी खबरें आ चुकी हैं। वहीं सनी देओल की हाल ही में रिलीज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास काम नहीं कर पाई। इसके अलावा वो इस वक्त अपने बेटे की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास पर काम कर रहे हैं, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? जीत 2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जीत 2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में हैं। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में हैं, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी की करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी की आलोक नाथ की बेटी है, वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है
और उसकी शादी काजल से होनी है। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। सन्नी देओल और सलमान खान स्टारर जीत की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है, वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। आइए नजर दौड़ाते हैं इस कामयाबी के फॉर्मूले पर। बात करते हैं सलमान खान की आई वांटेड फिल्म। बात 2009 की है। सलमान खान की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। माना जाने लगा था कि सलमान खान अब चूक गए हैं। इसी बीच वांटेड को ईद पर रिलीज किया गया। इस फिल्म से किसी को खास उम्मीदें नहीं थी। प्रभु देवा पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे। सलमान का करियर डामाडोल था। हीरोइन आयशा टाकिया की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। ईद ने मामला संभाल लिया। सलमान की ये फिल्म बेहद पसंद की गई। यहीं से सलमान को समझ आया कि ईद पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बात करते हैं सलमान खान की दबंग, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म के शुरू होने के पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इसे ईद पर रिलीज करेंगे। ईद को सलमान भाग्यशाली मानने लगे थे। दबंग ईद पर प्रदर्शित हुई और फिल्म ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 140 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन हुए। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब सलमान को अपने फॉर्मूले पर पक्का यकीन हो गया था। बात करते हैं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की, जो कि 2011 में आई थी। लगातार तीसरे वर्ष सलमान ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। बॉडीगार्ड को ताबड़तोड़ बनाकर ईद पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म खास नहीं थी, बावजूद इसके यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग से भी आगे निकल गई। 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब तो सलमान ने सोच लिया कि ईद पर उनकी ही फिल्म प्रदर्शित हो। अब बात करते हैं उनकी फिल्म एक था टाइगर की, जो कि 2012 में आई थी। ईद पर सलमान का एकाधिकार हो गया। लगातार चौथे वर्ष वे ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। दर्शक भी सलमान की फिल्मों का ईद पर इंतजार करने लगे। फिल्म के रूप में सलमान ईदी देते और दर्शक फिल्म पर अपना प्यार लुटाते। हर ईद पर उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा कामयाब होती। एक था टाइगर बॉडीगार्ड से आगे निकल गई। 98 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। बात करते हैं उनकी फिल्म किक की, जो कि 2014 में आई थी। 2013 की ईद तो सलमान मिस कर गए। कोई फिल्म तैयार ही नहीं हुई। मौका देखकर शाहरुख खान ने चौका लगा दिया। 2013 की ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज कर कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में सलमान ने किसी को मौका नहीं दिया। किक के जरिए वे आए और छा गए। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन इस फिल्म ने किए। पहली बार सलमान 200 करोड़ क्लब में शामिल हुए। अब बात करते हैं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो कि 2015 में आई थी। 2015 में सलमान बजरंगी भाईजान के रूप में ईद पर आए और कमाल कर दिया। ऐतिहासिक सफलता उनकी फिल्म ने हासिल की। 320 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इसे सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना गया। जीत के बाद सलमान खान और सनी देओल एक ही फिल्म में। सलमान खान और सनी देओल ने जीत फिल्म में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों लीड रोल में कभी साथ नहीं दिखे। पिछले दिनों सनी देओल से पूछा गया
कि क्या वे सलमान खान के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे। इस पर सनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई निर्माता या निर्देशक हम दोनों को एक ही फिल्म में साइन करेगा, यदि करता भी है तो हम दोनों के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सनी के अनुसार यदि कोई स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी तो वे किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सनी के सलमान बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जीत इसलिए सनी के साथ की थी क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि सनी बड़े स्टार थे। सलमान ने सनी के साथ यह सोचकर फिल्म की थी कि सनी के होने से फिल्म चल जाएगी और उनका करियर फिर संवर जाएगा। वहीं सलमान और सनी को एक दूसरे के साथ फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई निर्माता क्या दोनों को एक ही फिल्म में पेश करेगा? बात करें सलमान खान की तो काफी समय से उनका लव ट्राइंगल लोगों ने नहीं देखा है। आपको याद दिला दे सलमान खान के बेस्ट लव ट्राइंगल्स की, हम दिल दे चुके सनम। जी, सलमान का सबसे बेहतरीन लव ट्राइंगल ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ, हालांकि अंत में ऐश्वर्या राय ने चुना अजय देवगन को ही। अब बात करते हैं फिल्म साजन की। सलमान खान और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित के इस प्रेम त्रिकोण को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ संजय दत्त और सलमान खान एक ही लड़की के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म चल मेरे भाई की। अब इस फिल्म में सलमान को लड़की चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती गाने में बोलते हैं। लेकिन फिर दो भाइयों को एक ही लड़की में रोमांस नजर आता है और होता है ढेर सारा त्याग और बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म हेलो ब्रदर की। सलमान खान नहीं, उनका भूत इस लव ट्रायंगल का हिस्सा रहता है। फिल्म में सलमान का दिल रानी पर आया होता है, लेकिन फिर सलमान खान का मर्डर हो जाता है और वो भूत बनकर अरबाज खान को रानी का दिल जीतने की टिप्स देते हैं। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, खान रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की तिगड़ी लोगों को पसंद काफी आई थी। हालांकि फिल्म टीवी पर ज्यादा चली। प्रीति जिंटा, सलमान खान और रानी मुखर्जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के लिए खास था शायद। अब बात करते हैं उनकी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। ये फिल्म उस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। यहाँ एक बेहोश रानी मुखर्जी थी जिनको सलमान ने खुदकुशी करने से बचाया था और रानी उनके प्यार में पड़कर कोमा में चली गई। वहीं प्रीति जिंटा थी जो सलमान के प्यार में पड़ गई। अब बात करते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है। तो इस फिल्म में एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे, समझाते हैं। पहले राहुल यानी कि शाहरुख खान, उन पर रानी और काजोल यानी कि टीना और अंजलि फिदा थी। इसके बाद अंजलि यानी कि काजोल पर राहुल और अमन यानी कि शाहरुख और सलमान खान फिदा थे। बात करते हैं उनकी फिल्म सावरिया की। रणवीर कपूर के डेब्यू से ही सलमान खान उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। खैर, इस फिल्म में सोनम कपूर सलमान पर लट्टू थी और रणवीर कपूर सोनम के आगे पीछे डोलते नजर आए थे। बात करते हैं उनकी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सबसे अजीब लव ट्रायंगल, वो लव ट्रायंगल जो शाहरुख खान इमेजिन करते हैं पर कभी होता नहीं है। फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आए थे। अब बात करते हैं उनकी फिल्म जीत की। सलमान खान और सनी देओल में से जाहिर सी बात है लड़की को सनी देओल चुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की ने सलमान खान को चुना था। बात करते हैं उनकी फिल्म बीवी नंबर वन की। घरवाली बाहर वाली ये लव ट्रायंगल, यानी कि सलमान का दिल इतना चंचल था कि अंदर करिश्मा कपूर पर लट्टू था और बाहर सुष्मिता सेन पर। अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। एक नहीं दो दो सलमान खान वाला लव ट्रायंगल, यहाँ सोनम कपूर पर सलमान खान लट्टू थे। इस फिल्म में सोनम कपूर पर एक नहीं दो दो सलमान खान दीवाने हुए पड़े थे। बात करते हैं उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी। एक जबरदस्त धुआंधार लव ट्रायंगल, सलमान खान और अक्षय कुमार पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ते दिखाई दिए थे, हालांकि अंत में अक्षय कुमार ने पलटी मार ली थी। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे। सलमान और सोहेल कैटरीना के दीवाने थे, वहीं कैटरीना और सुष्मिता सेन सलमान खान की दीवानी थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।
सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए G2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वही अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होनी। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है
सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। Hello everyone, Agranshu Grover over here and you are watching Bollygrass Studios. Let's get started. If we are talking about Bollywood, then today everyone is obsessed in making sequels. Whether we talk about Salman Khan, Aamir Khan or Shah Rukh Khan, everyone is making sequel. And there's a news in Bollywood circle that our very own action superstar Sunny Deol is also making sequel of his film Jeet. There's also news that this time script will be based on woman empowerment. Sunny Deol said in continuity that Salman Khan demanded a script which had a little bit spice of romance in it. As we all know that family has been a major part of Salman Khan's film, but this time he wants romance too. So this script will be a mixture of Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun and Tere Naam, which make this script a whole lot interesting. Jeet film was released in 1996 and audience appreciated both of their efforts. They both played a completely different role, but they both were good. This action romance drama film was loved by everyone. Salman Khan played a role of a simple guy in this film. On the other hand, Sunny Deol played the role of a bold person. They both were seen together in set of heroes, and this film was also loved by everyone. From that point, everyone is waiting for both of them to come together and give us another blockbuster. Jeet film was released in 1996 and was directed by Raj Kanwar and produced by Sajid Nadiawala. Star cast includes Sunny Deol, Salman Khan and Karishma Kapoor as leads, and in supporting role there were Amresh Puri and Alok Nath. There was a special appearance by Tabu. The story about Karan, a feared hitman who falls in love with Kajal, but Kajal was married off to Raju. And when Raju plans to expose his father's illegal activities, Karan was hired to kill him. But when it comes to his knowledge that Raju is Kajal's husband, he helped him to kill all his enemies, but get himself killed in the process. Jeet was released in 26 August 1996. At that time, Sunny Deol was one of those stars who were giving continuous blockbuster. Sunny Deol is one of those stars who keep searching for a formula to make their film hit. And I guess he had that formula this time also. Salman Khan. Whenever Salman Khan released his film on Eid, it's always a blockbuster. So now we have to see that whether this film is going to be a blockbuster or not. That's all from my side. So don't forget to press the bell icon for more notifications and update. And please like, share and subscribe. Thank you. Peace out. सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो
या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जी टू की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होनी है। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। सनी देओल और सलमान खान स्टारर जीत की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। आइए नजर दौड़ाते हैं इस कामयाबी के फॉर्मूले पर। बात करते हैं सलमान खान की आई वांटेड फिल्म। बात 2009 की है। सलमान खान की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। माना जाने लगा था कि सलमान खान अब चूक गए हैं। इसी बीच वांटेड को ईद पर रिलीज किया गया। इस फिल्म से किसी को खास उम्मीदें नहीं थी। प्रभु देवा पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे। सलमान का करियर डामाडोल था,
हीरोइन आयशा टाकिया की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। ईद ने मामला संभाल लिया। सलमान की ये फिल्म बेहद पसंद की गई। यहीं से सलमान को समझ आया कि ईद पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बात करते हैं सलमान खान की दबंग, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म के शुरू होने के पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इसे ईद पर रिलीज करेंगे। ईद को सलमान भाग्यशाली मानने लगे थे। दबंग ईद पर प्रदर्शित हुई और फिल्म ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 140 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन हुए। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब सलमान को अपने फॉर्मूले पर पक्का यकीन हो गया था। बात करते हैं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की, जो कि 2011 में आई थी। लगातार तीसरे वर्ष सलमान ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। बॉडीगार्ड को ताबड़तोड़ बनाकर ईद पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म खास नहीं थी, बावजूद इसके यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग से भी आगे निकल गई। 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब तो सलमान ने सोच लिया कि ईद पर उनकी ही फिल्म प्रदर्शित हो। अब बात करते हैं उनकी फिल्म एक था टाइगर की, जो कि 2012 में आई थी। ईद पर सलमान का एकाधिकार हो गया। लगातार चौथे वर्ष में ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। दर्शक भी सलमान की फिल्मों का ईद पर इंतजार करने लगे। फिल्म के रूप में सलमान ईदी देते और दर्शक फिल्म पर अपना प्यार लुटाते। हर ईद पर उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा कामयाब होती। एक था टाइगर बॉडीगार्ड से आगे निकल गई। 198 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। बात करते हैं उनकी फिल्म किक की, जो कि 2014 में आई थी। 2013 की ईद तो सलमान मिस कर गए। कोई फिल्म तैयार ही नहीं हुई। मौका देखकर शाहरुख खान ने चौका लगा दिया। 2013 की ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज कर कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में सलमान ने किसी को मौका नहीं दिया। किक के जरिए वे आए और छा गए। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन इस फिल्म ने किए। पहली बार सलमान 200 करोड़ क्लब में शामिल हुए। अब बात करते हैं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो कि 2015 में आई थी। 2015 में सलमान बजरंगी भाईजान के रूप में ईद पर आए और कमाल कर दिया। ऐतिहासिक सफलता उनकी फिल्म ने हासिल की। 320 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इसे सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना गया। जीत के बाद सलमान खान और सनी देओल एक ही फिल्म में। सलमान खान और सनी देओल ने जीत फिल्म में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों लीड रोल में कभी साथ नहीं दिखे। पिछले दिनों सनी देओल से पूछा गया कि क्या वे सलमान खान के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे। इस पर सनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई निर्माता या निर्देशक हम दोनों को एक ही फिल्म में साइन करेगा। यदि करता भी है तो हम दोनों के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सनी के अनुसार यदि कोई स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी तो वे किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सनी के सलमान बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जीत इसलिए सनी के साथ की थी क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि सनी बड़े स्टार थे। सलमान ने सनी के साथ यह सोचकर फिल्म की थी कि सनी के होने से फिल्म चल जाएगी और उनका करियर फिर संवर जाएगा। वहीं सलमान और सनी को एक दूसरे के साथ फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई निर्माता क्या दोनों को एक ही फिल्म में पेश करेगा। बात करें सलमान खान की तो काफी समय से उनका लव ट्राइंगल लोगों ने नहीं देखा है। आपको याद दिला दे सलमान खान के बेस्ट लव ट्राइंगल्स की, हम दिल दे चुके सनम। जी, सलमान का सबसे बेहतरीन लव ट्राइंगल ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ। हालांकि अंत में ऐश्वर्या राय ने चुना अजय देवगन को ही। अब बात करते हैं फिल्म साजन की। सलमान खान और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित के इस प्रेम त्रिकोण को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ संजय दत्त और सलमान खान एक ही लड़की के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म चल मेरे भाई की। अब इस फिल्म में सलमान को लड़की चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती गाने में बोलते हैं। लेकिन फिर दो भाइयों को एक ही लड़की में रोमांस नजर आता है और होता है ढेर सारा त्याग और बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म हेलो ब्रदर की। सलमान खान नहीं, उनका भूत इस लव ट्रायंगल का हिस्सा रहता है। फिल्म में सलमान का दिल रानी पर आया होता है, लेकिन फिर सलमान खान का मर्डर हो जाता है और वो भूत बनकर अरबाज खान को रानी का दिल जीतने की टिप्स देते हैं। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की तिगड़ी लोगों को पसंद काफी आई थी। हालांकि फिल्म टीवी पर ज्यादा चली। प्रीति जिंटा, सलमान खान और रानी मुखर्जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के लिए खास था शायद। अब बात करते हैं उनकी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। ये फिल्म उस
साल की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। यहाँ एक बेहोश शानी मुखर्जी थी जिनको सलमान ने खुदकुशी करने से बचाया था और रानी उनके प्यार में पड़कर कोमा में चली गई। वहीं प्रीति जिंटा थी जो सलमान के प्यार में पड़ गई। अब बात करते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है, तो इस फिल्म में एक नहीं दो दो लव ट्राइंगल थे। समझाते हैं, पहले राहुल यानी की शाहरुख खान, उन पर रानी और काजोल यानी की टीना और अंजलि फिदा थी। इसके बाद अंजलि यानी कि काजोल पर राहुल और अमन यानी कि शाहरुख और सलमान खान फिदा थे। बात करते हैं उनकी फिल्म सावरिया की। रणवीर कपूर के डेब्यू से ही सलमान खान उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। खैर, इस फिल्म में सोनम कपूर सलमान पर लट्टू थी और रणवीर कपूर सोनम के आगे पीछे डोलते नजर आए थे। बात करते हैं उनकी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सबसे अजीब लव ट्राइंगल, वो लव ट्राइंगल जो शाहरुख खान इमेजिन करते हैं पर कभी होता नहीं है। फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आए थे। अब बात करते हैं उनकी फिल्म जीत की। सलमान खान और सनी देओल में से जाहिर सी बात है लड़की को सनी देओल चुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की ने सलमान खान को चुना था। बात करते हैं उनकी फिल्म बीवी नंबर वन की। घरवाली बाहर वाली ये लव ट्रायंगल, यानी कि सलमान का दिल इतना चंचल था कि अंदर करिश्मा कपूर पर लट्टू था और बाहर सुष्मिता सेन पर। अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। एक नहीं दो दो सलमान खान वाला लव ट्राइंगल। यहाँ सोनम कपूर पर सलमान खान लट्टू थे। इस फिल्म में सोनम कपूर पर एक नहीं दो दो सलमान खान दीवाने हुए पड़े थे। बात करते हैं उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी। एक जबरदस्त धुआंधार लव ट्राइंगल। सलमान खान और अक्षय कुमार पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ते दिखाई दिए थे, हालांकि अंत में अक्षय कुमार ने पलटी मार ली थी। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी एक नहीं दो दो लव ट्राइंगल थे। सलमान और सोहेल कैटरीना के दीवाने थे, वहीं कैटरीना और सुष्मिता सेन सलमान खान की दीवानी थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि G2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वही एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए G2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में
सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था, तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वही अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से हुई। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। Hello everyone, Agranshu Grover over here and you are watching Bollygrass Studios. Let's get started. If we are talking about Bollywood, then today everyone is obsessed in making sequels. Whether we talk about Salman Khan, Aamir Khan or Shah Rukh Khan, everyone is making sequel. And there's a news in Bollywood circle that our very own action superstar Sunny Deol is also making sequel of his film Jeet. There's also news that this time script will be based on woman empowerment. Sunny Deol said in continuity that Salman Khan demanded a script which had a little bit spice of romance in it. As we all know that family has been a major part of Salman Khan's film,
but this time he wants romance too. So this script will be a mixture of Maine Pyar Kiya, Hum Aapke Hai Kaun and Tere Naam, which make this script a whole lot interesting. Jeet film was released in 1996 and audience appreciated both of their efforts. They both played a completely different role, but they both were good. This action romance drama film was loved by everyone. Salman Khan played a role of a simple guy in this film. On the other hand, Sunny Deol played the role of a bold person. They both were seen together in Set of Heroes and this film was also loved by everyone. From that point, everyone is waiting for both of them to come together and give us another blockbuster. Jeet film was released in 1996 and was directed by Raj Kanwar and produced by Sajid Nadiawala. Star cast includes Sunny Deol, Salman Khan and Karishma Kapoor as leads, and in supporting role there were Amresh Puri and Alok Nath. There was a special appearance by Tabu. The story about Karan, a feared hitman who falls in love with Kajal, but Kajal was married off to Raju. And when Raju plans to expose his father's illegal activities, Karan was hired to kill him. But when it comes to his knowledge that Raju is Kajal's husband, he helped him to kill all his enemies, but get himself killed in the process. Jeet was released in 26 August 1996. At that time, Sunny Deol was one of those stars who were giving continuous blockbuster. Sunny Deol is one of those stars who keep searching for a formula to make their film hit. And I guess he had that formula this time also. Salman Khan. Whenever Salman Khan releases his film on Eid, it's always a blockbuster. So now we have to see that whether this film is going to be a blockbuster or not. That's all from my side. So don't forget to press the bell icon for more notifications and update. And please like, share and subscribe. Thank you. Peace out. सुपरस्टार सनी देओल और सलमान खान के फिल्म जीत को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया? आखिरकार क्या कारण है कि इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की जा रही है? आपका मैं स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में, जहां मैं बात करूंगा जीत फिल्म के बारे में। ये वो फिल्म थी, इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ का तड़का दिया गया था। यही कारण था कि यह फिल्म बॉलीवुड कल्ट फिल्म में शामिल की गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में सनी देओल का वो अवतार था जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब वो इस फिल्म में रोमांस करते हैं तो एक बच्चे से नजर आते हैं, और जब वो अपने उस रोमांस के विरुद्ध एक जंग छेड़ते हैं तो उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता है कि उस प्यार से उगलता हुआ एक ऐसा आग का गोला जिसके सामने हर कोई शख्स अपने आप को बुझा हुआ महसूस करेगा। और ये वही फिल्म थी जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने बौने से नजर आए थे। इस फिल्म का ओपनिंग सीन अपने आप में लाजवाब था। इस फिल्म में जो ओपनिंग सीन था उसमें करिश्मा कपूर नृत्य कर रहे, और एक ऐसा नृत्य एक कच्ची उम्र की लड़की कैसे कर सकती है। मैं तो ये फिल्म देख करके हैरान हो गया था, लेकिन मैं ये भूला नहीं, वो कपूर खानदान की कन्या थी जो तो ऐसा नृत्य कर ही सकती थी। सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर की सोच, उसने उस नृत्य के माध्यम से जो दृश्य प्रस्तुत किया है वो अपने आप में लाजवाब था। फिर तो सबसे बड़ी बात, सनी देओल का एंट्री वाला सीन धमाकेदार, और क्यों ना हो धमाकेदार, उस समय सनी देओल बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार के रूप में जाने जाते थे जिनके सामने बड़े बड़े स्टार बौने साबित हुए। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना, इन सब का अपना बोलबाला था, और ये वही भी दौर था जहां से इनके बोलबाले में थोड़ी सी गिरावट भी आ रही थी। लेकिन सनी देओल इन सब सुपरस्टारों के बीच से निकलता हुआ एक ऐसा आग का गोला था कि जो अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया था।
लोग ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक्टर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सनी देओल का जो संवाद बोलने का तरीका था वो इसमें भी उसी प्रकार से था, लेकिन जो सनी देओल का जो प्यार करने का तरीका था, जब वो करिश्मा कपूर से मिलते हैं तो जैसे बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं, और सनी देओल ने इसी शैली को अपने फिल्म गदर में दोहराया है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि सनी देओल ने हूबहू अमीषा पटेल के सामने गदर में इसी प्रकार का अभिनय किया है जिस प्रकार का अभिनय जीत फिल्म में करिश्मा कपूर के सामने सनी देओल ने किया है। ये तो रही रोमांस की, खास करके ये जो फिल्म थी एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि इसकी प्रेम कहानी अपने आप में लाजवाब थी। इस फिल्म का नायक यानी कि सनी देओल एक सुपरस्टार सनी देओल और सलमान खान के फिल्म जीत को बॉलीवुड कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल किया गया है? आखिरकार क्या कारण है कि इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा की जा रही है? आपका मैं स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में, जहां मैं बात करूंगा जीत फिल्म के बारे में। ये वो फिल्म थी, इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ का तड़का दिया गया था। यही कारण था कि यह फिल्म बॉलीवुड कल्ट फिल्म में शामिल की गई थी। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में सनी देओल का वो अवतार था जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब वो इस फिल्म में रोमांस करते हैं तो एक बच्चे से नजर आते हैं, और जब वो अपने उस रोमांस के विरुद्ध एक जंग छेड़ते हैं तो उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता है कि उस प्यार से उगलता हुआ एक ऐसा आग का गोला जिसके सामने हर कोई शख्स अपने आप को बुझा हुआ महसूस करेगा। और ये वही फिल्म थी जिसमें सलमान खान सनी देओल के सामने बौने से नजर आए थे। इस फिल्म का ओपनिंग सीन अपने आप में लाजवाब था। इस फिल्म में जो ओपनिंग सीन था उसमें करिश्मा कपूर नृत्य कर रही है, और एक ऐसा नृत्य एक कच्ची उम्र की लड़की कैसे कर सकती है? मैं तो ये फिल्म देख करके हैरान हो गया था, लेकिन मैं ये भूला नहीं, वो कपूर खानदान की कन्या थी जो तो ऐसा नृत्य कर ही सकती थी। सबसे बड़ी बात डायरेक्टर की सोच, उसने उस नृत्य के माध्यम से जो दृश्य प्रस्तुत किया है वो अपने आप में लाजवाब था। फिर तो सबसे बड़ी बात सनी देओल का एंट्री वाला सीन धमाकेदार, और क्यों ना हो धमाकेदार, उस समय सनी देओल बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार के रूप में जाने जाते थे जिनके सामने बड़े बड़े स्टार बौने साबित हुए। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना, इन सब का अपना बोल बाला था, और ये वही भी दौर था जहां से इनके बोल बाले में थोड़ी सी गिरावट भी आ रही थी, लेकिन सनी देओल इन सब सुपरस्टारों के बीच से निकलता हुआ एक ऐसा आग का गोला था कि जो अपने आप में एक अबूझ पहेली बन गया था। लोग ये समझने में देर नहीं लगी कि ये एक्टर कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सनी देओल का जो संवाद बोलने का तरीका था वो इसमें भी उसी प्रकार से था, लेकिन जो सनी देओल का जो प्यार करने का तरीका था, जब वो करिश्मा कपूर से मिलते हैं तो जैसे बच्चों जैसी हरकत करने लगते हैं, और सनी देओल ने इसी शैली को अपने फिल्म गदर में दोहराया है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि सनी देओल ने हूबहू अमीषा पटेल के सामने गदर में इसी प्रकार का अभिनय किया है जिस प्रकार का अभिनय जीत फिल्म में करिश्मा कपूर के सामने सनी देओल ने किया है। ये तो रही रोमांस की, खास करके ये जो फिल्म थी एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि इसकी प्रेम कहानी अपने आप में लाजवाब थी। इस फिल्म का नायक यानी कि सनी देओल एक गली का गुंडा होता है जिसका नाम होता है कर्ण, यानी कि उसके माँ बाप का कोई पता नहीं होता है। एक दिन वो करिश्मा कपूर से मिलता है,
और करिश्मा कपूर इसको मार धार करते हुए देखती है और सहम जाती है और डर जाती है, और वो डर जो है करिश्मा कपूर के जहन में छिप जाता है। और जब करिश्मा कपूर इसके सामने आती है और सनी देओल को एक झापड़ त्राह से देती है, उस झापड़ की गूंज सनी देओल के दिल में प्यार का एक ऐसा फूल खिला देती है कि सनी देओल एक गुंडा से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। अब शुरुआत होती है सनी देओल और करिश्मा कपूर की प्रेम कहानी। फिर एक दिन सनी देओल को एक और अनाथ मिलता है। उस अनाथ के मिलने से सनी देओल को ऐसा लगता है कि ये उसके बचपन का बीता हुआ कल है। फिर सनी देओल उस बच्चे को अपने पास उठा लाता है और लोग उस बच्चे को कहते हैं टाइम पास। जब सनी देओल उससे नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, लोग मुझे टाइम पास के नाम से पुकारते हैं। तो सनी देओल उसे अपने पास जब लाता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता है। फिर वही बच्चा जब करिश्मा कपूर के पास जाता है तो करिश्मा कपूर को वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर करिश्मा कपूर सनी देओल के बारे में पूछती है, करण कैसा है, वो कैसा है। फिर उन बातों को सुन करके करिश्मा कपूर जो है ना सनी देओल के प्रति आकर्षित हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी भर किसी ने प्यार नहीं किया हो, जिसने जिंदगी भर कभी ये नहीं देखा हो कि कैसे होता है माँ बाप का प्यार और भाई बहन का रिश्ता, वो इंसान तो ऐसा ही होगा। फिर करिश्मा कपूर सनी देओल से मिलती है। सनी देओल उससे कहता है, मिली तो हो लेकिन साथ कभी मत छोड़ना, और अगर तुमने साथ मेरा छोड़ दिया ना तो मैं उस शख्स की गर्दन काट दूंगा। सनी देओल और करिश्मा कपूर का मिलन अपने आप में लाजवाब था, क्योंकि जिस प्रकार से करिश्मा कपूर सनी देओल के सामने आती है, सनी देओल को विश्वास नहीं होता, यानी कि करण को विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़की है जो मुझसे डरती थी, आज मेरे सामने आई है क्यों। उसके पीछे आने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक दिन बस में करिश्मा कपूर सवार होकर जा रही होती है और कुछ लड़के उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाएक उसकी नजर सनी देओल से टकराती है और सनी देओल की भी नजर करिश्मा कपूर से टकराती है, और जो कि करिश्मा कपूर का इसमें नाम होता है काजल। काजल और करण की नजर जैसे मिलती है, करिश्मा कपूर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और करण जो है छुपने की कोशिश करता है। फिर एकाएक जो कुछ गुंडे होते हैं वो करिश्मा कपूर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तभी करण की नजर गुंडों पर पड़ती है। फिर तो सनी देओल के अंदर का गुस्सा जाग जाता है, यानी कि वो यंगरी यंग मैन अपने अंदर के उस सैलाब को उन गुंडों पर ऐसे फोड़ता है कि बस के शीशे क्या सब कुछ चकनाचूर हो जाते हैं। फिर बस का जो कंडक्टर होता है वो बोलता है, भाई इस बस को ले चलो थाने। बस थाने पहुंचती है, पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि आशीष विद्यार्थी बोलते हैं, यार तू ये गुंडा है, साला तू गुंडे ही करेगा। जैसे उसको पकड़ते हैं, काजल कहती है, इंस्पेक्टर साहब इस इंसान किया कोई गुनाह नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर का मन तो नहीं करता छोड़ने को, लेकिन अफसोस वो उसे छोड़ देता है। यहीं से शुरू होता है उस प्यार का बीज। फिर चुपचाप करण वहां से चल देता है। तो इसके बाद करिश्मा कपूर और सनी देओल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और यह प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब रोज दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर एक दिन एंट्री होती है हमारे भाईजान की, और भाईजान जो होते हैं इसके बचपन के दोस्त होते हैं, और वो जब आते हैं तो बोलते हैं, भाई मेरी मां ने तुमसे रिश्ता तय किया था, शादी मैं तुमसे करूंगा। आप करिश्मा कपूर यह सुनकर के दंग रह जाती है कि आखिर मैं प्यार किसी और से करती हूं, शादी मैं इस शख्स से कैसे कर सकती हूं, माना कि यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। करिश्मा कपूर अपने पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनके पिताजी ठहरे रूढ़िवादी विचारधारा के, उनको हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक के दौरान काजल के पिता
उसको मना लेते हैं सलमान खान से शादी करने के लिए। अब सलमान खान और करिश्मा कपूर की शादी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो दृश्य था, जब आता है सनी देओल और करिश्मा कपूर से, यानी कि काजल से कहता है, काजल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? काजल के हाथों में वो चाकू होता है और चाकू कितनी जोर से भींचती है कि हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है। अपने अंदर के शोले को दबा करके बोलती है, तुझसे मैं प्यार करूंगी। गली का गुंडा है, यहां से तेरे साथ में शादी करके मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये बात सुनते ही करण के अंदर का जितना प्यार होता है वो एक नया उमाड़ लेता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चक्रवात की तरह उसके दिल को पूरा मकोड़ देता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई होगी। चुपचाप करण वहां से खिसक जाता है। फिर काजल और सलमान खान की शादी हो जाती है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। इधर सनी देओल यानी कि करण फिर से वही शराब, वही सारी चीजों में डूब जाता है। और इसमें एक और करेक्टर है जो अपने आप में लाजवाब है, यानी कि लीजेंट है, तब्बू, जिसका नाम होता है तुलसी। इसका एक बेहतरीन संवाद है। तुलसी तो घर के बाहर होती है और काजल जो होता है ना, आंखों में लगाया जाता है। जब यह लाइन तब्बू ने बोला था ना, क्या कहें यार, दिल को छू गया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि तब्बू कि जो संवाद अदायगी है और जो अभिनय शैली है वो अपने आप में लाजवाब है। इस फिल्म में तब्बू ने एक ऐसी तवायब का रोल पोर्ट्रेट किया था जो किसी ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसको उससे कोई परवाह नहीं है। और इसमें एक बार तब्बू बोलती है, इस कोठे में जो है ना, ऐसे लोग आते हैं जो मेरे यहां मुझसे प्यार करते हैं, और एक कोठे वाली जो है ना, एक ऐसे भंवरे के पीछे पड़ी है जिस भंवरे को परवाह ही नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रेम कहानी है। अब फिर से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। अब इस फिल्म का सीक्वल बनेगा कहां से? इस फिल्म का सीक्वल बनेगा दोस्तों क्योंकि सलमान खान और करिश्मा कपूर, इन दोनों की एक संतान पैदा होती है और उस संतान का नाम होता है करण। इन दोनों को बचाने के दौरान सनी देओल की मौत हो जाती है और उसी के प्यार में आकर के करिश्मा कपूर और सलमान खान अपने बेटे का नाम करण रख देते हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि एक एक सीन को ऐसे बुना गया है जैसे कि कोई मूर्तिकार हर मूर्ति के नए नक्श को ठीक करता है। इस फिल्म का डायरेक्टर कमाल की सोच रखता था। आज की तारीख में ऐसी फिल्में बनती कहां है? लोग सिर्फ टाइम पास फिल्में बनाते हैं और उस समय की जो फिल्में होती थी वो इमोशन से परिपूर्ण होती थी। एक्शन का धमाका होता था और कॉमेडी का तड़का होता था और गानों में वो ताजगी होती थी कि जब आप गाने सुनते थे तो आप खुद ब खुद अपने आप को इमोशनल होने से रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं, जब फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब हो तो ऐसी फिल्मों का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। और इस फिल्म के लिए सनी देओल को लेना चाहिए और सलमान खान को लेना चाहिए, और हीरोइन के रूप में मैं तो कहता हूं कैटरीना को ही ले लो यार। कैटरीना को लेने के बाद सबसे बड़ी मजा होगी कि ये कि जब कैटरीना की तरफ सनी देओल देखेंगे ना, तो सलमान खान को अपने आप ही लगेगा यार, ये तो रियल हो रहा है, रियलिस्टिक पूरा हो रहा है। और इन दोनों की अपनी एक जिंदगी भी इसमें उकेरी जाएगी, क्योंकि सनी देओल जब जवान थे ना, तो इनके बहुत सारे अफेयर थे, चाहे वो डिंपल कबाड़िया हो, चाहे फिर सैफ अली खान की भूतपूर्व बीवी यानी कि सारा अली खान की मम्मी का नाम आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वैसे बता देता हूं उनका नाम क्या है, अमृता सिंह। उनकी पहली फिल्म थी बेताब, और इस फिल्म को अपने आप में बॉलीवुड की क्लासिकल फिल्मों में शामिल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इस फिल्म की स्टोरी शुरू होगी
कर्ण के रूप में, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूरी फिल्म जो थी महाभारत का एडाप्टेशन था, महाभारत के बहुत सारे प्रसंग को लेकर के इस फिल्म का निर्माण किया गया था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? एक गली का गुंडा होता है जिसका नाम होता है कर्ण, यानी कि उसके मां बाप का कोई पता नहीं होता है। एक दिन वो करिश्मा कपूर से मिलता है और करिश्मा कपूर इसको मार धार करते हुए देखती है और सहम जाती है और डर जाती है, और वो डर जो है करिश्मा कपूर के जेहन में छिप जाता है। और जब करिश्मा कपूर इसके सामने आती है और सनी देओल को एक झापड़ त्राह से देती है, उस झापड़ की गूंज सनी देओल के दिल में प्यार का एक ऐसा फूल खिला देती है कि सनी देओल एक गुंडा से एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। अब शुरुआत होती है सनी देओल और करिश्मा कपूर की प्रेम कहानी। फिर एक दिन सनी देओल को एक और अनाथ मिलता है। उस अनाथ के मिलने से सनी देओल को ऐसा लगता है कि ये उसके बचपन का बीता हुआ कल है। फिर सनी देओल उस बच्चे को अपने पास उठा लाता है और लोग उस बच्चे को कहते हैं टाइम पास। जब सनी देओल उससे नाम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, लोग मुझे टाइम पास के नाम से पुकारते हैं। तो सनी देओल उसे अपने पास जब लाता है, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता है। फिर वही बच्चा जब करिश्मा कपूर के पास जाता है तो करिश्मा कपूर को वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर करिश्मा कपूर सनी देओल के बारे में पूछती है, करण कैसा है, वो कैसा है। फिर उन बातों को सुन करके करिश्मा कपूर जो है ना सनी देओल के प्रति आकर्षित हो जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी भर किसी ने प्यार नहीं किया हो, जिसने जिंदगी भर कभी यह नहीं देखा हो कि कैसे होता है मां बाप का प्यार और भाई बहन का रिश्ता, वो इंसान तो ऐसा ही होगा। फिर करिश्मा कपूर सनी देओल से मिलती है। सनी देओल उससे कहता है मिली तो हो लेकिन साथ कभी मत छोड़ना, और अगर तुमने साथ मेरा छोड़ दिया ना तो मैं उस शख्स की गर्दन काट दूंगा। सनी देओल और करिश्मा कपूर का मिलन अपने आप में लाजवाब था, क्योंकि जिस प्रकार से करिश्मा कपूर सनी देओल के सामने आती है, सनी देओल को विश्वास नहीं होता, यानी कि करण को विश्वास नहीं होता कि ये वही लड़की है जो मुझसे डरती थी, आज मेरे सामने आई है क्यों। उसके पीछे आने का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक दिन बस में करिश्मा कपूर सवार होकर जा रही होती है और कुछ लड़के उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकाएक उसकी नजर सनी देओल से टकराती है और सनी देओल की भी नजर करिश्मा कपूर से टकराती है, और जो कि करिश्मा कपूर का इसमें नाम होता है काजल। काजल और करण की नजर जैसे मिलती है, करिश्मा कपूर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और करण जो है छुपने की कोशिश करता है। फिर एकाएक जो कुछ गुंडे होते हैं वो करिश्मा कपूर को छेड़ने की कोशिश करते हैं, तभी करण की नजर गुंडों पर पड़ती है। फिर तो सनी देओल के अंदर का गुस्सा जाग जाता है, यानी कि वो यंगरी यंग मैन अपने अंदर के उस सैलाब को उन गुंडों पर ऐसे फोड़ता है कि बस के शीशे क्या सब कुछ चकनाचूर हो जाते हैं। फिर बस का जो कंडक्टर होता है वो बोलता है भाई इस बस को ले चलो थाने। बस थाने पहुंचती है, पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि आशीष विद्यार्थी बोलते हैं यार तू ये गुंडा है साला, तू गुंडा ही करेगा। जैसे उसको पकड़ते हैं काजल कहती है इंस्पेक्टर साहब इस इंसान किया कोई गुनाह नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर का मन तो नहीं करता छोड़ने को, लेकिन अफसोस वो उसे छोड़ देता है। यहीं से शुरू होता है उस प्यार का बीज। फिर चुपचाप करण वहां से चल देता है। तो इसके बाद करिश्मा कपूर और सनी देओल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और ये प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अब रोज दोनों एक दूसरे से मिलते हैं,
और फिर एक दिन एंट्री होती है हमारे भाई जान की, और भाई जान जो होते हैं इसके बचपन के दोस्त होते हैं, और वो जब आते हैं तो बोलते हैं, भाई मेरी मां ने तुमसे रिश्ता तय किया था, शादी में तुमसे करूंगा। अब करिश्मा कपूर ये सुनकर के दंग रह जाती है कि आखिर मैं प्यार किसी और से करती हूं, शादी में इस शख्स से कैसे कर सकती हूं, माना कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। करिश्मा कपूर अपने पिताजी को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनके पिताजी ठहरे रूढ़िवादी विचारधारा के, उनको हार्ट अटैक आता है, और उस हार्ट अटैक के दौरान काजल के पिता उसको मना लेते हैं सलमान खान से शादी करने के लिए। अब सलमान खान और करिश्मा कपूर की शादी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो दृश्य था, जब आता है सनी देओल और करिश्मा कपूर से, यानी कि काजल से कहता है, काजल क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? काजल के हाथों में वो चाकू होता है और चाकू कितनी जोर से भींचती है कि हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है। अपने अंदर के शोले को दबा करके बोलती है, तुझसे मैं प्यार करूं? गली का गुंडा है, यहां से तेरे साथ में शादी करके मेरा कोई भविष्य नहीं है। ये बात सुनते ही करण के अंदर का जितना प्यार होता है वो एक नया उमाड़ लेता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि चक्रवात की तरह उसके दिल को पूरा मकोड़ देता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई होगी। चुपचाप करण वहां से खिसक जाता है। फिर काजल और सलमान खान की शादी हो जाती है। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। इधर सनी देओल यानी कि करण फिर से वही शराब, वही सारी चीजों में डूब जाता है। और इसमें एक और करेक्टर है जो अपने आप में लाजवाब है, यानी कि लीजेंट है, तब्बू, जिसका नाम होता है तुलसी। इसका एक बेहतरीन संवाद है, तुलसी तो घर के बाहर होती है और काजल जो होता है ना, आंखों में लगाया जाता है। जब यह लाइन तब्बू ने बोला था ना, क्या कहें यार, दिल को छू गया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि तब्बू कि जो संवाद अदायगी है और जो अभिनय शैली है वो अपने आप में लाजवाब है। इस फिल्म में तब्बू ने एक ऐसी तवायब का रोल पोर्ट्रेट किया था जो किसी ऐसे शख्स से प्यार करती है जिसको उससे कोई परवाह नहीं है। और इसमें एक बार तब्बू बोलती है, इस कोठे में जो है ना, ऐसे लोग आते हैं जो मेरे यहां मुझसे प्यार करते हैं, और एक कोठे वाली जो है ना, एक ऐसे भंवरे के पीछे पड़ी है जिस भंवरे को परवाह ही नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्म पूरी तरह से एक प्रेम कहानी है। अब फिर से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। अब इस फिल्म का सीक्वल बनेगा कहां से? इस फिल्म का सीक्वल बनेगा दोस्तों, क्योंकि सलमान खान और करिश्मा कपूर, इन दोनों की एक संतान पैदा होती है और उस संतान का नाम होता है करण। इन दोनों को बचाने के दौरान सनी देओल की मौत हो जाती है, और उसी के प्यार में आकर के करिश्मा कपूर और सलमान खान अपने बेटे का नाम करण रख देते हैं। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि एक एक सीन को ऐसे बुना गया है जैसे कि कोई मूर्तिकार हर मूर्ति के नए नक्श को ठीक करता है। इस फिल्म का डायरेक्टर कमाल की सोच रखता था। आज की तारीख में ऐसी फिल्में बनती कहां है? लोग सिर्फ टाइम पास फिल्में बनाते हैं, और उस समय की जो फिल्में होती थी वो इमोशन से परिपूर्ण होती थी। एक्शन का धमाका होता था और कॉमेडी का तड़का होता था, और गानों में वो ताजगी होती थी कि जब आप गाने सुनते थे तो आप खुद ब खुद अपने आप को इमोशनल होने से रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं, जब फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब हो तो ऐसी फिल्मों का सीक्वल जरूर बनना चाहिए, और इस फिल्म के लिए सनी देओल को लेना चाहिए और सलमान खान को लेना चाहिए, और हीरोइन के रूप में मैं तो कहता हूं कैटरीना को ही ले लो यार। कैटरीना को लेने के बाद सबसे बड़ी मजा होगी
कि ये कि जब कैटरीना की तरफ सनी देओल देखेंगे ना तो सलमान खान को अपने आप ही लगेगा यार ये तो रियल हो रहा है, रियलिस्टिक पूरा हो रहा है, और इन दोनों की अपनी एक जिंदगी भी इसमें उकेरी जाएगी, क्योंकि सनी देओल जब जवान थे ना तो इनके बहुत सारे अफेयर थे, चाहे वो डिंपल कबाड़िया हो, चाहे फिर सैफ अली खान की भूतपूर्व बीवी यानी कि सारा अली खान की मम्मी का नाम आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वैसे बता देता हूं उनका नाम क्या है, अमृता सिंह। उनकी पहली फिल्म थी बेताब, और इस फिल्म को अपने आप में बॉलीवुड की क्लासिकल फिल्मों में शामिल किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इस फिल्म की स्टोरी शुरू होगी कर्ण के रूप में, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूरी फिल्म जो थी महाभारत का एडाप्टेशन था, महाभारत के बहुत सारे प्रसंग को लेकर के इस फिल्म का निर्माण किया गया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? सलमान खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? G2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बाहर सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान, हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वहीं एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए G2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए, तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में हैं। वहीं अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में हैं, जबकि तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी की करिश्मा कपूर प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी की आलोक नाथ की बेटी है। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से होनी है। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है
और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। सन्नी देओल और सलमान खान स्टारर जीत की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। आइए नजर दौड़ाते हैं इस कामयाबी के फॉर्मूले पर। बात करते हैं सलमान खान की आई वांटेड फिल्म। बात 2009 की है। सलमान खान की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। माना जाने लगा था कि सलमान खान अब चूक गए हैं। इसी बीच वांटेड को ईद पर रिलीज किया गया। इस फिल्म से किसी को खास उम्मीदें नहीं थी। प्रभु देवा पहली बार हिंदी फिल्म बना रहे थे। सलमान का करियर डामाडोल था। हीरोइन आयशा टाकिया की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। ईद ने मामला संभाल लिया। सलमान की ये फिल्म बेहद पसंद की गई। यहीं से सलमान को समझ आया कि ईद पर फिल्म रिलीज करनी चाहिए। बात करते हैं सलमान खान की दबंग, जो कि 2010 में आई थी। फिल्म के शुरू होने के पहले ही ये तय कर लिया गया था कि इसे ईद पर रिलीज करेंगे। ईद को सलमान भाग्यशाली मानने लगे थे। दबंग ईद पर प्रदर्शित हुई और फिल्म ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। 140 करोड़ रुपए के लगभग कलेक्शन हुए। इस फिल्म ने सलमान को सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया। अब सलमान को अपने फॉर्मूले पर पक्का यकीन हो गया था। बात करते हैं सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड की, जो कि 2011 में आई थी। लगातार तीसरे वर्ष सलमान ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। बॉडीगार्ड को ताबड़तोड़ बनाकर ईद पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म खास नहीं थी, बावजूद इसके यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दबंग से भी आगे निकल गई। 148 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। अब तो सलमान ने सोच लिया कि ईद पर उनकी ही फिल्म प्रदर्शित हो। अब बात करते हैं उनकी फिल्म एक था टाइगर की, जो कि 2012 में आई थी। ईद पर सलमान का एकाधिकार हो गया। लगातार चौथे वर्ष में ईद पर अपनी फिल्म लेकर आए। दर्शक भी सलमान की फिल्मों का ईद पर इंतजार करने लगे। फिल्म के रूप में सलमान ईदी देते और दर्शक फिल्म पर अपना प्यार लुटाते। हर ईद पर उनकी रिलीज होने वाली फिल्म पिछली फिल्म के मुकाबले ज्यादा कामयाब होती। एक था टाइगर बॉडीगार्ड से आगे निकल गई। 198 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म ने किया। बात करते हैं उनकी फिल्म किक की, जो कि 2014 में आई थी। 2013 की ईद तो सलमान मिस कर गए। कोई फिल्म तैयार ही नहीं हुई। मौका देखकर शाहरुख खान ने चौका लगा दिया। 2013 की ईद पर चेन्नई एक्सप्रेस रिलीज कर कामयाबी हासिल कर ली। 2014 में सलमान ने किसी को मौका नहीं दिया। किक के जरिए वे आए और छा गए। 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन इस फिल्म ने किए। पहली बार सलमान 200 करोड़ क्लब में शामिल हुए। अब बात करते हैं उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान की, जो कि 2015 में आई थी। 2015 में सलमान बजरंगी भाईजान के रूप में ईद पर आए और कमाल कर दिया। ऐतिहासिक सफलता उनकी फिल्म ने हासिल की। 320 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो गई। इसे सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक माना गया। जीत के बाद सलमान खान और सनी देओल एक ही फिल्म में। सलमान खान और सनी देओल ने जीत फिल्म में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों लीड रोल में कभी साथ नहीं दिखे। पिछले दिनों सनी देओल से पूछा गया
कि क्या वे सलमान खान के साथ फिल्म करना पसंद करेंगे। इस पर सनी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि कोई निर्माता या निर्देशक हम दोनों को एक ही फिल्म में साइन करेगा, यदि करता भी है तो हम दोनों के रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। सनी के अनुसार यदि कोई स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आएगी तो वे किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि सनी के सलमान बहुत बड़े फैन हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जीत इसलिए सनी के साथ की थी क्योंकि उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, जबकि सनी बड़े स्टार थे। सलमान ने सनी के साथ यह सोचकर फिल्म की थी कि सनी के होने से फिल्म चल जाएगी और उनका करियर फिर संवर जाएगा। वहीं सलमान और सनी को एक दूसरे के साथ फिल्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई निर्माता क्या दोनों को एक ही फिल्म में पेश करेगा। बात करें सलमान खान की तो काफी समय से उनका लव ट्राइंगल लोगों ने नहीं देखा है। आपको याद दिला दे सलमान खान के बेस्ट लव ट्राइंगल्स की, हम दिल दे चुके सनम। जी, सलमान का सबसे बेहतरीन लव ट्राइंगल ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के साथ। हालांकि अंत में ऐश्वर्या राय ने चुना अजय देवगन को ही। अब बात करते हैं फिल्म साजन की। सलमान खान और संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित के इस प्रेम त्रिकोण को लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ संजय दत्त और सलमान खान एक ही लड़की के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्म चल मेरे भाई की। अब इस फिल्म में सलमान को लड़की चाहिए तो चाहिए, ऐसा वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती गाने में बोलते हैं। लेकिन फिर दो भाइयों को एक ही लड़की में रोमांस नजर आता है और होता है ढेर सारा त्याग और बलिदान। अब बात करते हैं फिल्म हेलो ब्रदर की। सलमान खान नहीं उनका भूत इस लव ट्रायंगल का हिस्सा रहता है। फिल्म में सलमान का दिल रानी पर आया होता है लेकिन फिर सलमान खान का मर्डर हो जाता है और वो भूत बनकर अरबाज खान को रानी का दिल जीतने की टिप्स देते हैं। सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके, खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की तिगड़ी लोगों को पसंद काफी आई थी। हालांकि फिल्म टीवी पर ज्यादा चली। प्रीति जिंटा, सलमान खान और रानी मुखर्जी का लव ट्रायंगल बॉलीवुड के लिए खास था शायद। अब बात करते हैं उनकी फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा। ये फिल्म उस साल की बेस्ट फिल्मों में से एक थी। यहाँ एक बेहोश रानी मुखर्जी थी जिनको सलमान ने खुदकुशी करने से बचाया था और रानी उनके प्यार में पड़कर कोमा में चली गई। वहीं प्रीति जिंटा थी जो सलमान के प्यार में पड़ गई। अब बात करते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है। तो इस फिल्म में एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे, समझाते हैं। पहले राहुल यानी कि शाहरुख खान, उन पर रानी और काजोल यानी कि टीना और अंजलि फिदा थी। इसके बाद अंजलि यानी कि काजोल पर राहुल और अमन यानी कि शाहरुख और सलमान खान फिदा थे। बात करते हैं उनकी फिल्म सावरिया की। रणवीर कपूर के डेब्यू से ही सलमान खान उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। खैर इस फिल्म में सोनम कपूर सलमान पर लट्टू थी और रणवीर कपूर सोनम के आगे पीछे डोलते नजर आए थे। बात करते हैं उनकी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। सबसे अजीब लव ट्रायंगल, वो लव ट्रायंगल जो शाहरुख खान इमेजिन करते हैं पर कभी होता नहीं है। फिल्म में सलमान खान माधुरी दीक्षित के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में नजर आए थे। अब बात करते हैं उनकी फिल्म जीत की। सलमान खान और सनी देओल में से जाहिर सी बात है लड़की को सनी देओल चुनना चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की ने सलमान खान को चुना था। बात करते हैं उनकी फिल्म बीवी नंबर वन की। घरवाली बाहर वाली ये लव ट्रायंगल, यानी कि सलमान का दिल इतना चंचल था कि अंदर करिश्मा कपूर पर लट्टू था और बाहर सुष्मिता सेन पर। अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। एक नहीं दो दो सलमान खान वाला लव ट्रायंगल, यहाँ सोनम कपूर पर सलमान खान लट्टू थे। इस फिल्म में सोनम कपूर पर एक नहीं दो दो सलमान खान दीवाने हुए पड़े थे। बात करते हैं उनकी फिल्म मुझसे शादी करोगी। एक जबरदस्त धुआंधार लव ट्रायंगल, सलमान खान और अक्षय कुमार पूरी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ते दिखाई दिए थे। हालांकि अंत में अक्षय कुमार ने पलटी मार ली थी। अब बात करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी एक नहीं दो दो लव ट्रायंगल थे। सलमान और सोहेल कैटरीना के दीवाने थे, वहीं कैटरीना और सुष्मिता सेन सलमान खान की दीवानी थी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जीत 2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप G2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।
खान और सनी देओल जीत के सीक्वल में काम क्यों करना चाहते हैं? इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? शाहरुख खान और अक्षय कुमार इस फिल्म के सामने पानी भरते क्यों रह गए? ईद और सलमान खान का जब भी संगम होता है उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर क्यों हो जाती हैं? जीत 2 में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है और इस फिल्म का बजट क्या रखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल सीक्वल की बहार सी आ गई है। बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार हो, हर कोई सीक्वल बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो आमिर खान हो या फिर शाहरुख खान या फिर सलमान खान। हर स्टार इस सीक्वल की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो वही एक्शन के बाप माने जाने वाले सनी देओल भी सलमान खान के साथ मिलकर जीत का सीक्वल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कि इस बार का सीक्वल वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। दरअसल सनी देओल का कहना है कि सलमान खान चाहते हैं इस बार परिवार का डबल डोज के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अक्सर सलमान खान की फिल्मों में परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसलिए जीत 2 की कहानी में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के साथ साथ तेरे नाम जैसा कहानी में तड़का लगाएंगे, तभी ये फिल्म और भी रोमांचित हो जाएगी। दोस्तों, साल 1996 में आई फिल्म जीत में सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। हालांकि दोनों के फिल्म में किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इस एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म में ट्रैगल लव स्टोरी बताई गई, जिसमें जहां सलमान खान का किरदार काफी सिंपल था तो वहीं सनी देओल अपने उसी दबंग किरदार में नजर आए थे। इसके बाद साल 2008 में आई फिल्म हीरोज में सलमान सनी एक साथ पर्दे पर नजर आए। तब से इनके प्रशंसकों को दोनों स्टार्स के साथ आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पर एक बार ये दोनों स्टार्स एक ही पर्दे पर नजर आएंगे। जीत 1996 की राज कंवर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सनी देओल और करिश्मा कपूर प्रमुख भूमिका में है। वही अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोक नाथ सहायक भूमिकाओं में है, जब की तबू विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में काजल यानी कि करिश्मा कपूर, प्रोफेसर सिद्धांत शर्मा यानी कि आलोक नाथ की बेटी हैं। वहीं करण के किरदार में सनी देओल, गजराज चौधरी के किरदार में अमरीश पुरी के लिए आपराधिक काम करता है। वह काजल से प्यार करता है और हर जगह उसका पीछा करता है। शुरुआत में वह उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाती हैं और करण सामान्य जीवन में लौटने के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देता है। राजीव उर्फ राजू यानी कि सलमान खान अमेरिका से वापस आया है और उसकी शादी काजल से हुई। काजल करण को छोड़ देती है, इससे उसका दिल टूट जाता है और वह तवायफ तुलसी बाई यानी कि तब्बू के पास जाने लगता है। राजू को पता लगता है कि उसके पिता यानी कि दिलीप ताहिल और अंकल गजराज अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। वह अपने व्यापार को नष्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए करण को राजू की हत्या का अनुबंध दिया जाता है। करण देखता है कि राजू काजल का पति है। अंत में करण सभी दुश्मनों को मार देता है, उसे भी गोली मार दी जाती है और वह भी मर जाता है। फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर के लव ट्रायंगल ने लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन किया था। फिल्म में सलमान खान की सनी देओल ने काफी धुनाई भी की थी, लेकिन अंत का रिजल्ट सबके लिए फायदेमंद था। सलमान खान और सनी देओल की टीम ने बॉक्स ऑफिस पर अपना राज किया था। वहीं दूसरी तरफ 1996 वो साल था जब सनी देओल बॉक्स ऑफिस के किंग थे और उनके आगे शाहरुख खान तक पानी मांगते दिखाई दिए थे, क्योंकि टॉप 15 तक तो शाहरुख खान की एंट्री ही नहीं थी। सनी देओल ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वो नेशनल अवार्ड से सम्मानित इस एक्टर ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। वहीं दर्शकों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। सनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। बॉलीवुड में फिल्मकार ऐसा फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी फिल्म सफलता के लिए नए कीर्तिमान बनाए। ऐसा एक फॉर्मूला हाथ लग ही गया है। यदि सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज की जाए तो फिल्म का सफल होना तो निश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों से ये फॉर्मूला धूम से काम कर रहा है। सलमान की कमजोर फिल्मों ने भी ईद के मुबारक मौके पर रिलीज होकर सफलता हासिल की है। बताना चाहेंगे कि जीत
2 को 2000 करोड़ी फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सनी देओल और सलमान खान जब पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे तो फिल्म आसानी से 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को अप्रोच किया जा रहा है और विलेन के तौर पर संजय दत्त को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीबी हो तो ऐसी से की थी और आज उन्हें इंडस्ट्री में राज करते हुए 30 साल हो गए हैं। और दोस्तों, उनके अब तक के करियर में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया जब उन्हें निराशा मिली हो। तो दोस्तों, यहीं पर एक डायलॉग चेपते हुए अपने शाहरुख खान का, जो कि सलमान खान पर पूरी तरह से लागू होता है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि सलमान खान की फिल्म ना चली हो तो उन्होंने हमेशा ही गिर कर उठना ही सीखा है। सलमान खान जो कि फिलहाल कैटरीना कैफ के साथ भारत की शूटिंग में बिजी हैं। दोस्तों, सलमान खान अभी तक तकरीबन 100 फिल्में कर चुके हैं और दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो फिल्मों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। दोस्तों, वही अगर सलमान खान की फैन फॉलोइंग्स की बात की जाए तो वो भारी मात्रा में है। उनके फैंस थिएटर में जब उनकी फिल्म देखने जाते हैं तो सभी उनकी एंट्री के लिए बेसब्री से मुंतजर होते हैं और उन्हें इंतजार रहता है उस पल का कि कब सलमान आएंगे और वो सीट पर खड़े होकर सीटियों के साथ अपने सल्लू भाई का स्वागत करेंगे। दोस्तों, मैंने प्यार किया से रेस 3 तक खान साहब ने हमारी झोली में कुछ ऐसे डायलॉग्स रखे हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सबसे पहला डायलॉग जो कि एक कल्ट डायलॉग है और हमेशा कल्ट ही रहेगा, और दोस्तों वो डायलॉग है मैंने प्यार किया मूवी से। दोस्ती का एक ही उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्तों, मैंने प्यार किया एक ऐसी कहानी है जिसे आप देखेंगे तो प्रेम और सुमन की प्रेम कहानी में ही खो जाएंगे। एक ऐसा दौर जब लोगों ने वाकई में सिनेमा घरों में जाना बंद कर दिया था और रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ एक्शन फिल्मों की ही चर्चा होती थी, और उस दौर में एक ऐसी फिल्म उस प्रोडक्शन हाउस से आई जिसकी पिछली फिल्में काफी नाकामयाब रही थी। दोस्तों, एक ऐसे डायरेक्टर की फिल्म जिसका ये डेब्यू थी और जिसके एक्टर्स भी नए ही थे, और उस फिल्म के गानों और पिक्चराइजेशन ने ऑडियंस को फिर से सिनेमा घरों की ओर खींच लिया। तो देखा दोस्तों, शुरुआत से ही सलमान खान का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑडियंस को अपनी ओर खींच ही लेता है। और दोस्तों, वही फिल्म मैंने प्यार किया में स्टार कास्ट भी लाजवाब थी, और दोस्तों एक तरह से कहे तो इन दोनों की जोड़ी अमर ही रहेगी। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दोस्तों, हम दिल दे चुके सनम का ये डायलॉग आज भी हर प्रेमी की पसंद है। संजय लीला भंसाली, जस्ट लव म्यूजिक। अगर उनकी फिल्मों को गौर से देखा जाए तो उनमें म्यूजिक बेशुमार होता है। हम दिल दे चुके सनम एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म में एक एक सीन और एक एक गाना लाजवाब है। और दोस्तों, फिल्म में ऐश्वर्या राय बेशक उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं जितना कि वो हमेशा से लगती हैं। फिल्म में ऐश्वर्या की अदाओं को फैंस देखते नहीं थकते हैं। जहां ऐश्वर्या हूर लग रही हैं, तो वहीं सलमान खान का नूर भी देखने भर बनता है। दोस्तों, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दोस्तों, एक बार तो सलमान कहीं गायब से हो गए थे और वांटेड से फिर से जमीन पर आ उतरे। ईमानदारी से जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वांटेड देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि एक अच्छी फिल्म है। ये आपको शानदार 80 के दशक में वापस ले जाती है, जहाँ हमारे नायक ने अकेले दर्जनों गुंडों के साथ मारपीट की, अपनी प्रेमिका को गुंडों से बचाया, और दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो ये एक नई बोतल में एक पुरानी शराब का एक आदर्श उदाहरण है। सच्चाई ये है कि हमारे बॉलीवुड ने अपनी मासूमियत खो दी थी, पश्चिम की नकल करने की बहुत कोशिश की, और दोस्तों जिससे तथाकथित कला गंभीर फिल्में उर्फ समानांतर सिनेमा बन गई। मसाला फिल्में लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसने उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया है, क्योंकि फिल्म बहुत सुखद थी। मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान मत करना। दोस्तों, बॉडीगार्ड का डायलॉग अपने वक्त पर बहुत चला था और फिल्म भी फैंस को बेहद पसंद आई थी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। दोस्तों, दबंग का ये डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आया था और अपने चुलबुल पांडे भी फैंस को उतने ही रास आए थे जितना कि ये डायलॉग। सलमान को चाहने के बाद भी फ्लॉप फिल्मों की संख्या नहीं थी, लेकिन 2010 में निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान के साथ मिलकर एक मसाला एंटरटेनर दिया जिसने बॉक्स ऑफिस पर सलमान के करियर को बदल दिया। सलमान बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी भीड़ खींचने वाले बन गए और बॉडीगार्ड जैसी कुछ सबसे खराब फिल्में देने के बावजूद दबंग ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।
जी हाँ, दबंग की कहानी बहुत ही सरल है। ये एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के बारे में है जो अपने परिवार, गैंगस्टर और राजनीतिज्ञों से चुनौतियों का सामना करता है। और दोस्तों, दबंग के जरिए सोनाक्षी सिन्हा ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दबंग के बाद दबंग 2 का ये डायलॉग फैंस को बेहद पसंद आया था। तो दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा डायलॉग है? चलिए हम बताते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड पांडे हैं, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। दोस्तों, किक का डायलॉग और मेरा यकीन मानिए तो किक के बाद में भी हर चीज में अब किक ढूंढने की कोशिश करते हैं। और किक के जरिए हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का निगेटिव रोल भी बखूबी देखने को मिला। जिंदगी में 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। दोस्तों, ये डायलॉग रेडी फिल्म से है और सलमान ने असीम के साथ इश्क लड़ाते हुए जनता को खूब हंसाया और अपने फैंस का दिल जीत लिया। सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है और वो है खुद सुल्तान। दोस्तों, इसके बाद मुझे बताने की शायद जरूरत